तो गाइस यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने YouTube चैनल पर टू स्टेप वेरिफिकेशन को किस तरह से ऑन कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों आपको पता होगा कि YouTube का नया मोनिटाइजेशन अपडेट आ गया है, जिसमें कि आपको अपने YouTube चैनल का टू स्टेप वेरिफिकेशन भी ऑन करना होगा, तभी आप अपने YouTube चैनल को मोनिटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, तभी आपका YouTube चैनल यहाँ पर मोनिटाइज होता है। तो आज की इस वीडियो में पूरे डिटेल में बात करेंगे कि किस तरह से आप अपने YouTube चैनल पर टू स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन कर सकते हो। तो गाइस आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आज की इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों मैं टाइम वेस्ट किया, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पर बगल में आपको हमारा मोबाइल स्क्रीन दिख रहा होगा हमारे मोबाइल का, तो सिंपल आपको यहाँ पर करना क्या है कि आपको अपने गूगल वाले एप्लीकेशन में आना है। यहाँ पर आपका ये फ़ोन में जो गूगल का एप्लीकेशन है कुछ इस तरह का इंटरफेस वाला, तो सिंपल आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। उसके बाद आपके चैनल का जो लोगो यहाँ पर देखने को मिलता है ऊपर साइड, सिंपल आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे आपके सामने एक इंटरफेस आएगा मैनेज योर अकाउंट। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक कर देते हो मैनेज योर अकाउंट का एक ऑप्शन आपको आएगा मैनेज योर गूगल अकाउंट, तो जस्ट आपको यहाँ पर क्लिक करना है मैनेज योर गूगल अकाउंट पर। अब जैसे ही आप मैनेज योर गूगल अकाउंट पर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरह के कई सारे इंटरफेस देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर सिंपल आपको इस तरह से स्क्रॉल करके सिक्योरिटी वाले ऑप्शन में आना है, जो कि आपको तीसरे चौथे नंबर पर देखने को मिलेगी। अब जैसे ही आप सिक्योरिटी वाले टैब में आ जाते हो सिंपल आपको नीचे आना है, तो थोड़ा आप स्क्रॉल करके जैसे ही नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जो कि ऑफ होगा, तो जस्ट आपको इसको यहाँ पर इस तरह से क्लिक करना है और इसे आपको ऑन करना होगा। तो अब जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे टू स्टेप वेरिफिकेशन पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल आपको सबसे नीचे आना है, यहाँ पर आपको गेट स्टार्टेड का एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, तो जस्ट आपको इसी गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप गेट स्टार्टेड पर क्लिक करते हो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको अपने जीमेल अकाउंट का पासवर्ड फिर से आपसे मांगा जाएगा, तो यहाँ पर आपको पासवर्ड दे देना है आपके जीमेल अकाउंट का जो भी पासवर्ड हो। तो गाइस यहाँ पर पासवर्ड इंटर करने के बाद सिंपल आपको नेक्स्ट का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा आगे की तरफ, तो अब आपको सिंपल इसे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा कि आप किस मोबाइल नंबर पर अपना टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करना चाहते हो, तो अब आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर टाइप कर देना है जिस भी मोबाइल नंबर पर आप टू स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन करना चाहते हो। तो गाइस मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद सिंपल आपको दो ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेंगे, टेक्स्ट मैसेज फोन कॉल, यानी कि आपके नंबर पर एक कोड आने वाला है उसे आप मैसेज के थ्रू पाना चाहते हो या फिर फ़ोन कॉल के थ्रू, तो मैं मैसेज पर ही रहने देता हूँ। उसके बाद सिंपल आपको नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो अब आपको इसे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे आपके नंबर पर एक OTP आएगा जिस नंबर को आप यहाँ पर इंटर किए रहोगे। अब गाइस जैसे ही आपके नंबर पर OTP आ जाए उसको आपको यहाँ पर उस OTP को यहाँ पर इंटर कर देना है जो कि 6 अंक का होगा, तो इंटर करने के बाद सिंपल आपको नीचे नेक्स्ट का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, अब आपको सिंपल इसे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब इसके बाद आप सिंपल लास्ट स्टेप पर आ गए हो, अब आपको सिंपल इसी टर्न ऑन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपका जो टू स्टेप वेरिफिकेशन है वो आपके नंबर पर आपके जीमेल अकाउंट पर ऑन हो जाएगा। अब अगली बार आप अपने अकाउंट में जब भी दूसरे मोबाइल या फिर किसी जगह पर लॉगिन करोगे पासवर्ड डालकर अपने गूगल अकाउंट का, तो सबसे पहले आपके नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा जिसे टू स्टेप वेरिफिकेशन कहते हैं। उस OTP को डालने के बाद ही आप अपने अकाउंट पर लॉगिन कर पाओगे। तो गाइस यहाँ पर टू स्टेप वेरिफिकेशन अगर आप अपने गूगल अकाउंट का ऑन कर देते हो तो यहाँ पर अगर आपके गूगल अकाउंट का पासवर्ड भी किसी को पता चल जाता है फिर भी वो अपने आपके गूगल अकाउंट पर लॉगिन नहीं कर सकता है। जैसे ही वो पासवर्ड डालेगा उसको आप जो है टू स्टेप वेरिफिकेशन का कोड भी देना होगा जो कि आपके नंबर पर आएगा, उसके बाद ही कोई भी आपके अकाउंट में लॉगिन कर पाएगा। तो ये आपके सिक्योरिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है, आपको इस तरह से इसे ऑन कर लेना चाहिए। तो गाइस यही थी वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को। तो दोस्तों आपसे मिलते हैं किसी और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।